क्या क्या शोर मचाता है। मौत के हाथों जोकर बन के एक दिन वो सो जाता है। जोकर आते जाते हैं, रंग बदलता रहता है। वक्त के हाथों इस दुनिया का सर्कस चलता रहता है। सर्कस है भाई सर्कस, सर्कस है। मंगो, ऐसा लगता है सेकंड बाबू अपने टेंट में सोए नहीं क्या? हाँ यार, अपने को तो लगता है भाई ये सर्कस अभी बंद होने वाला है। हाँ, और आधा पगार जो मिलता था वो भी बंद हो जाएगा। मेरा दिल भी यही बोलता है। शेखरन बाबू के आने से थोड़ी उम्मीद थी कि सर्कस चल पड़ेगा, लेकिन नहीं। यार मेरे को भी बहुत शौक लगा। तुम्हें इतना दुख हुआ है, जरा सोचो अपने बाबूजी को कितना दुख हुआ होगा। चलो आदित्य भाई, हरी जैसे पे चलते। यार कितनी मोहब्बत थी उसको अपना आईना दिया था। चल यार ले आते हैं मंगू। हाँ यार टेंट तो खाली होगा, वो तो होटल में सो रहा है। सुन, अपना आईना लेने जा रहा है ना, उसकी तकदीर में तो तेरा आईना नहीं था, तेरी तकदीर में तो आईना। तो अपनी सूरत तो सुधार, खुशी की बना। बोगी 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 देखू नहीं यार, तू ही देख। अरे देख क्या शेर पिंजरे से बाहर आ गया। अंदर तो कोई है? तुमने यही देखा था? हाँ, क्या देखा था? भूत। मेरा तो शेर का डिपार्टमेंट है, खुद का आपका है ना? कौन डरता है? बोला भाई। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। सर आप रात को यहीं सोए थे? हाँ यहीं सो गया था। मेरी भी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। दे दे। बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई सबको गुड मॉर्निंग। बाबूजी कहाँ है? जरा मिलना है मुझे उनसे। मैं आपके लिए मैं आईना लाया था। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये गुड़िया मैं लाया हूँ सर। मैं आके देखता हूँ इसको। जरा आप लोग क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद में एक नया शेर मिल लिया हम लोगों ने। ये तो शेखरन की आवाज लगती है। हाँ बाबूजी, शेखरन साहब तो कल रात को ही आ गए थे। क्या? हाँ आपको मालूम नहीं? वो कल रात को आपको मिलने आए होंगे, लेकिन आप सो रहे होंगे। मैं अभी बुला लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो, तुम बैठो। जब वो आ गया है तो आ ही जाएगा। तो रात को ही आया? जी बाबू जी। अच्छा अच्छा है। एक सिगरेट पिला। सिगरेट? लेकिन बाबू जी आपने तो पीनी कब से छोड़ दी है। एक सिगरेट से कुछ नहीं होता, लेकिन पिला पिलाओ जल्दी जल्दी। बाबूजी वो शेखरन, बाबूजी
आप फिर से सिगरेट पी रहे हैं? मैंने नहीं, नहीं, ये मेरी सिगरेट नहीं है। अच्छा। सुल्तान सिगरेट है तुम्हारी? हाँ हाँ सुल्तान की सिगरेट है वो बाबूजी। आपने दवा भी नहीं ली होगी ना? दवा भी मुझे आके देना पड़ता, आपको खुद याद भी नहीं रहता। मेरा आधा ब्लड प्रेशर तो तुम बढ़ाती हो। क्यों? दवा लो बस, अब और नहीं चाहिए दवा। चेची, अब बाबूजी को दवा की क्या जरूरत है? क्यों? शेखरन बाबू जो आ गए हैं। बाबूजी बोलो, वो आ गए शेखरन बाबू। आइए शेखरन बाबू आइए, आप ही की बात हो रही थी। खुश रहो बेटा, जीते रहो। बाबूजी वैसे मैं आ तो कल ही कहता रात को। ये मालूम है शेखरन, तुम आ गए मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो देखो कितना फ्रेश लग रहा है, बहुत फ्रेश लग रहा है। तो आपको देखकर हो गया बाबूजी। कोई जरूरी काम तो नहीं अभी आपको बाबूजी? नहीं, क्यों? एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोलो। नहीं अगर है कोई काम तो आप निटा लीजिए उसे, मैं बाद में आराम से बैठ के बातें कर लूंगा आपसे। नहीं नहीं, तुम्हारे टेंट में जाके बात करते हैं। मैं अभी आया, आओ। हाँ सब ठीक है, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। कोई तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ नहीं बाबूजी। अच्छा चिंतामणि, आप बाबूजी ये शेर क्यों चिल्ला रहा है? हाँ शेखर बाबू, सब उसका खाने का वक्त हो गया ना। आपने खाना क्यों नहीं दिया? सब क्या है आजकल घूस बराबर नहीं आता, कल आपने बताया कि आपको दिखाने के बाद में। ओ, मैं भूल गया। अच्छा वो बशीर आ गया? हाँ बशीर आ गया। शेखरन जी हम आके बात करते हैं, तब तक मैं शेरों को खाना खिला के आओ। अच्छा साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम बशीर मियां, तुम्हारे दिए गोश्त की शिकायत कर रही है हमारी शेरनी। अच्छा? क्या बशीर मियां, आप भी सूखे सूखे बकरों का गोश्त लाते हो? शेरनी एक आइटम में थक जाती। अब आपके जानवरों के लिए गोश्त मैं खुद लाया करूंगा। देखो बशीर मियां एक बात याद रखो, जैसा अच्छा खाना हम हमारे आर्टिस्टों को खिलाते हैं वैसा ही अच्छा खाना हम हमारे जानवरों को देते हैं। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देखते हैं आज कैसा गोश्त लाए। आइए कब आएगा मेरे सपनों का शहजादा? अच्छा जल्दी आएगा। अरे मिनाज तू कब आई मेरे टेंट में? ओफो वही तेरा राजकुमार और वही तेरा पंख। तू मजाक कर रही है मेरे इस पंख का मरिया? मेरा ये पंख किसी जादुई चिराग से कम नहीं। तू देखना एक रोज यही मेरे सपनों का शहजादा लाएगा, तब तो तू इंतजार करती बैठ। क्या? हाँ हाँ अरे भी क्या चल रहा है तुम दोनों का? दीदी जरा इस मरिया को बता दो कि जिस रोज मैंने अपने इस पंख से पूछ के बताया था कि शेखरन बाबू लंदन से जल्दी लौट आएंगे वो दूसरे रोज आ गए थे कि नहीं? हाँ भाई मरिया वो तो है। कुछ सुना मरिया? सुना। अच्छा प्रभा दीदी कुछ ही दिनों में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और तुम गांव जाओगी ना? हाँ। और गांव जाके तुम शादी करोगे? एक मिनट बता रे, प्रभा दीदी के पति कैसे होंगे? बोलना। अच्छा बहुत ही प्यार करने वाले और सुंदर भी। जब देखो प्यार और राजकुमार की बातें करती रहती है। चल खड़ी हो, कॉस्ट्यूम पहनो, आइटम आने वाला है। चलो चलो। अच्छा मरिया मिट्ठू राजू मिनास को तो उसका राजकुमार मिल ही जाएगा, प्रभा दीदी भी अपने गांव जाकर शादी कर लेगी। अब तुम दोनों ही बताओ मैं कहां जाऊंगी? वो देख चिंतामणि घोड़े की लीद उठा रहा। काम है उसका जानवरों की देखभाल करने का, मगर वो ख्वाब क्या देखता है मालूम है? क्या क्या क्या? रिंग मास्टर बनने का। आज उसको रिंग मास्टर बना ही डालते। अच्छा ए चिंता में, चिंता में इधर आ, इधर आ, इधर आ यार, मजा आएगा जरा। आओ चिंता में आओ, आओ। कितना काम करता है। बैठ 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 बैठ। चिंतामणि मैं जब भी तुझे देखता हूँ ना मुझे रोना आ जाता है। मुझे भी यार। क्यों क्यों? तू कितना काबिल आदमी है, तू काम क्या करता है? घोड़े की लीद उठाता है। और मैं क्या कर सकता है? तेरे को मालूम है चंगू? हाँ। चिंतामणि की सबसे बड़ी बात क्या है? क्या है? ये नाता नहीं है। अच्छा इसलिए इसके बदन से शेर की बू आती है। हाँ इसीलिए अपने शेर से डरते हैं। हाँ। ये दूसरा शेर कहाँ से आ गया? बिल्कुल। अरे ऐसे आदमी को तो रिंग मास्टर बनना चाहिए। रिंग मास्टर चिंतामणि। चंगू मंगू सच बात बोलता है, सिर्फ तुम दोनों को ही मेरा कदर है। यार चंगू वो स्वामी एक रिंग मास्टर की तलाश में है ना? हाँ 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 हाँ। अरे चिंतामणि
मैं चाहूँ ना तो कल तुझे रिंग मास्टर बना सकता हूँ। वो कैसे? क्या है कि स्वामी का बावकर के साथ पढ़ता है और बावकर हम दोनों का बॉस है। अगर तुमने शेरों का आइटम बना दिया और बावकर साहब को दिखाया तो तुम्हारी रिंग मास्टरी हम दोनों पक्की करा देंगे। सच्ची? मैं रिंग मास्टर बन सकता है? जरूर जरूर बनेगा। तू तैयारी कर, तैयारी। चंगू, बावकर साहब नहीं आए? अरे बावकर साहब को छोड़, बावकर भी तुझे स्वामी के पास ही ले जाने वाला था ना। अच्छा? मैं तो खुद स्वामी साहब को ले आया हूँ। स्वामी साहब आ गया। सलाम स्वामी साहब। सलाम। आइटम तैयार किया है ना? हाँ। दिखाओ, चलो। चल। मैं रिंग मास्टर बनेगा ना? ले, अभी भी पूछता है, बन जाएगा? अरे तू बन गया, समझ? बन गया। बन गया गया। कमान चिंतामणि। देख मिनू, शो के टाइम पर तू दो पैर पर खड़ी हो जाती ना टेबल पे, वैसे ही एक बार खड़ी होकर दिखा दे। क्या हुआ चिंतामणि? डर गई। अबे चिंतामणि, जरा संभलना, कहीं डर के मारे मिनुआ का हार्ट फेल ना हो जाए। चिंतामणि, लगता है उसका डर अभी खत्म हो गया है। जाओ ना। डर खत्म हो गया? हाँ, जा, 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 जा। अरे जाओ। कलंदर बोलता है डर खत्म हो गया। हाँ, चिंतामणि तू कर सकता है, जा। देख मिनुआ, अब तक मैं तेरे साथ बहुत प्यार से बात किया, मगर एक बार हंटर शुरू कर दिया ना तो फिर मैं तेरे को भागने के लिए रास्ता नहीं रखूंगा, समझी? चल अब। भाई साहब, शेखरन बाबू अपने टेंट में है या अरीना में? शायद अरीना में। अच्छा। विकी, हाँ? मैंने तो शेखरन बाबू को आते रात को ही देख लिया था, तुम सबको तो सुबह पता चला। अरे कुछ भी हो, शेखरन बाबू तो वापस आ गए ना। ओ ए विकी, अभी सर्कस छोड़ के जंगल चला जा। अरे कांति, शेखरन बाबू आए हैं ना तो और ही टार्जन की तरह कर जाएगा। आज सुबह तक तो सबको मुंह में 12 बज गए थे। अरे वो तो काटे पे काटा चढ़ गया था ना, इसलिए यार। और अब सबको हरा हरा नजर आ रहा है। अरे शेखरन बाबू लंदन से पढ़कर आए हैं, देख लेना 6 महीने के अंदर अंदर वो सर्कस को कहां से कहां पहुंचा देंगे। अरे फिर से अपनी पगार भी बढ़ जाएगी। ये देखो देखो, आनंद बाबू आए। आनंद बाबू। नमस्ते आनंद बाबू। नमस्ते। नमस्ते। शेखरन कहां है? वो यही थे, अभी अभी अपना टैंक में गए। अच्छा, चलो रीमा। तुम चलो, मैं बच्चों का रिहर्सल देख कर आती हूँ। ठीक है। ओके। शेखरन। हमारे फैक्ट्री के प्लान डिस्कस करना भूल गए। क्या बात करता है यार, इतनी इम्पोर्टेंट बात मैं भूल सकता हूँ क्या? तो फिर बात क्यों नहीं की? वो समय रहा। क्या हुआ यार, तुम यहाँ आराम से बैठे हुए हो और बाहर लोग ये सोच रहे हैं कि बाबूजी के बाद सर किस तुम ही संभालने वाले हो। यार कोई गलत फहमी हो गई होगी उनको, बस इतनी सी बात है ना, तू फिक्र मत कर, डोंट वरी, मैं बाबूजी से साफ साफ बात कर लूंगा यार। शेखरन बाबू, शेखरन बाबू, अब जरा हमें से 2 मिनट चलिए ना। कहाँ? अब चलिए ना, सब पता चल जाएगा। चलिए। अच्छा, अभी चलिए। आनंद जी चलिए। आनंद बाबू चलिए ना। ये मुझे दीजिए। हाँ चलिए। लेकिन बात क्या है ये तो बताओ बाबूजी, क्या हो रहा है ये सब? बेटा मुझे भी पता नहीं, मैं भी आ रहा हूँ। आप बैठिए तो सही। मुझे उन्होंने बुलाया तो मैं आ गई। बैठो बेटा। अरे भाई कोई ये तो बताओ, बात क्या है?
बाबूजी, बात ये है कि हम सब लोगों ने मिलके ये सोचा है कि अभी शेखरन बाबू जो यहाँ पर आदित्य बाबू, आप ही बता दीजिए। बाबूजी, हम शेखरन बाबू से एक विनती करना चाहते हैं। विनती? हाँ शेखरन बाबू, आपके जाने के बाद बाबूजी ने सर्कस को पूरे परिवार की तरह रखा, और शायद आपको नहीं मालूम आपके जाने के बाद उन्होंने बहुत मेहनत की, दिन को दिन न समझा और रात को रात न समझा। हाँ शेखरन बाबू, इसलिए बाबूजी का ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। शेखरन बाबू, हम आपको आपका कर्तव्य तो याद दिलाना नहीं चाहते, बस अपना समझकर आपसे दिल की बात कहना चाहते हैं। अब आप वापस आ गए तो जल्दी से जल्दी बाबूजी का बोझ हल्का कर दीजिए। शेखरन बाबू, अब आप इन्हें आराम करने को कहिए, हमारी बात तो सुनते नहीं है। बस शेखरन बाबू, यही हमारी विनती है। शेखरन बाबू, आज से आप हमारे कैप्टन। हाँ शेखरन बाबू। बाबूजी आप भी कुछ बोलिए ना। हाँ बाबूजी, बोलिए बाबूजी, बोलिए ना बाबूजी, बोलिए आप। अरे मैं क्या बोलूं, जो कुछ बोलना था आप लोगों ने बोल दिया है। बाबूजी, शेखरन बाबू को हार पहनाइए। क्या बेवकूफी है, तुमको अपने चाकू के सिवा और कुछ सूझता है कि नहीं? हाँ मेहनत, तुमसे मोहब्बत करना। मेरे से मोहब्बत करेगा मेरे सपनों का राजकुमार। अच्छा है तुम्हारा ये राजकुमार ख्याली है, वरना अभी कांति का चाकू खाकर हॉस्पिटल में लेटे लेटे चाकू हजम करता रहता। ए, ए, कांति बकवास मत कर, मेरे सपनों का राजकुमार जरूर आएगा। शेखरन, तुम्हें अब तक बाबूजी से बात कर लेनी चाहिए थी। Will Reema, will. When? शो होने के बाद बात करूंगा मैं उनसे। तुम ये शो तो देखो ना। शेखरन, कैसा लगा शो? बहुत अच्छा था बाबूजी, लेकिन लोग बहुत कम थे। अरे बेटा, एक हफ्ता ही तो हुआ है हमारे सर्कस को यहाँ हुए, धीरे धीरे आ जाएंगे लोग। शेखरन, हम यही खाना खा लेते हैं साथ में, तुम्हारा खाना भी यही मंगवाते हैं। बाबूजी, बाबूजी मैं क्या बात है, कुछ कहना है तुमको? जी हाँ, वो बाबू जी जो आपने जमीन मेरे नाम से खरीदी थी ना, उस पर मैं एक प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। प्लास्टिक की फैक्ट्री? जी हाँ, वो जमीन हमारी होगी, पैसा आनंद लगाएगा और बाकी हम बैंक से लोन ले लेंगे। लेकिन बेटा, तुम एक साथ दो दो काम कैसे कर सकते हो? फैक्ट्री भी चलाओगे, सर्कस भी चलाओगे। नहीं नहीं बेटा, सब गड़बड़ हो जाएगा, तुम सिर्फ सर्कस का काम संभालना। बाबू जी, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि सर्कस की जिम्मेदारी मुझ पर मत डालिए। हे बुद्धू, तू क्या समझता है मैं तुझे अकेला छोड़ दूंगा और खुद आराम करूंगा? अरे बुद्धू, मैं भी तेरे साथ हूँ, मुझ पे भरोसा रख। भरोसा तो है ना बाबूजी, तभी तो कहने चला है कि मैं सर्कस में। लेकिन सर्कस में क्या बुराई है बेटा? भाई कुछ भी नहीं है बाबूजी, लेकिन आजकल के लोगों को सर्कस में नहीं, टीवी वीसीआर म्यूजिक मूवीज में दिलचस्पी है। वक्त कम है, खर्चा कम है, मनोरंजन भी है बाबू। बेटा सर्कस में भी मनोरंजन है, ये फिल्मों के पर्दों पर और टीवी स्क्रीन पर सब कुछ नकली होता है।
लेकिन सर्कस, सर्कस के हर शो में जान की बाजी लगती है। कौन सा पल जिंदगी देगा और कौन सा पल मौत बंद कराएगा कोई नहीं जानता। तुमने देखा होगा। देखा है बाबूजी मैंने, तभी तो कह रहा हूं मैं कि ये सर्कस हमारा खून निचोड़ देता है और देता कुछ भी नहीं है। अब आप अपने आप को ही देखिए ना, दिन रात मेहनत करते हैं और घाटा ही होता है। बाबूजी अब मुझसे आपकी ये मेहनत बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन इस मेहनत में मुझे सुकून मिलता है बेटा, और सिर्फ घाटे के डर से मैं अपने आप को बदल दूं, ये नहीं हो सकता। मैं जानता हूं बाबूजी कि आप अपने आप को बदल नहीं सकते, लेकिन ये घाटा कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? मेरी राय में तो आप आराम कीजिए, पैसा मैं कमाऊंगा ना। बेटा ये सर्कस मेरे लिए सिर्फ बिजनेस नहीं है बल्कि श्रद्धा है, और जब ये श्रद्धा तेरे दिल में पैदा होगी ना तो तू ऐसा कभी नहीं कहेगा। मुझे आपका सारा बचपन, सारी जिंदगी सर्कस में गुजरी है, और जो लगाव और श्रद्धा आप में सर्कस के लिए है मुझ में नहीं है ना। तुम्हें सर्कस से लगाव नहीं है? जी नहीं बाबूजी। और अगर मैं मन मार कर ये काम करूंगा तो ये मेरे लिए बोझ बन जाएगा बाबूजी। मैं ना सर्कस से इंसाफ कर सकूंगा, ना ही आपसे और ना ही खुद से। बाबूजी जिस तरह आपने अपनी ये दुनिया अपने लिए खुद बनाई है, मुझे भी अपनी दुनिया खुद बनाने दीजिए। ठीक है बेटा, अगर ये तेरा पक्का फैसला है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बाबूजी मुझे मालूम है कि मेरे इस फैसले से आपको बहुत तकलीफ हुई है। तरक्की करो बेटा, अपनी जिंदगी बनाओ, मैं सब संभालूंगा। थैंक यू बाबूजी।